साढ़े 500 के करीब गद्दे और 600 के करीब कंबल रजाइया और 600 के करीब चादर सारे नगर वालों ये सेवा की गई आ। किसी ने पैसों से सेवा की, किसी ने ताना, किसी ने सहयोग दिता इनू आपस जोड़ने, किसी ने ट्रांसपोर्ट बारे। इस तरह ही चलता रहेगा जिन्ना चिर ये धर्म ना खत्म नहीं होंगे। मोदी सरकार इनू काले कानून वापस नहीं लेंदी। ऑल इंडिया के जथेबंदी तो सारे इकट्ठे हो रहे अभी नाल संघर्ष के 26 तरीक नू नाल शामिल होवांगे सारे। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी सिख चैनल नाल बने होए हो, मैं मनदीप सिंह। 26 तरीक दीआं तैयारियां किसानां वल्लों जिथे शुरू कर दित्तियां गईआं ने, उत्थे सेवादार वल्लों भी वड्डी मात्रा दे विच सेवा दा समान आ जिहड़ा पहुँचाया गया। तस्वीरां तुसी देख रहे हो, ट्रक भर के जरूरी लोड़ां दा, गद्दियां दा, चादरां दा सिंघू बार्डर उत्ते पहुँचाया गया। तस्वीरां तुहाडे सामने ने, क्योंकि 26 तरीक नू वड्डी गिणती दे विच किसानां ने दिल्ली पहुँचना, दिल्ली दे बार्डरां उत्ते पहुँचना। तो जिहड़े वीर सेवा करके सेवा कर रहे ने उन्हां नाल गल्लबात करांगे। तुहाडा स्वागत है जी चैनल दे उत्ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की मैं गुरदयाल सिंह, लम्मा पिंड गुरद्वारा पहली पातशाही का मुख्य सेवादार होने के नाते जिहड़ा दिल्ली च अंदोलन चल रहा और 26 तरीक न ट्रैक्टर का मार्च करना, वो वास्ते बहुत ज़्यादा संगत आ रही लखां के हिसाब न, वास्ते ये महसूस किया भी गद्दियां दी, चादरां दी, कंबलां दी जरूरत है। वो वास्ते असी 550 के करीब गद्दे और 600 के करीब कंबल रजाइया और 600 के करीब चादर लैके और होर भी समान लैके आए हैं। असी मतलब ये जेडे सारा गुरद्वारा पहली पातशाही, छेवीं पातशाही और दसवीं पातशाही और नौवीं पातशाही लम्मे पिंड वालों और सार सेवा जी एक पिंड वालों की गई है जा वक्रे वक्रे नगर की संगत ने मिलकर सेवा ने ये लम्मे पिंड की संगत वालों ही की गई है नाल NRI वीर के सहयोग नाल। NRI वीर का दीदार सिंह पप्पू USA तो, परमजीत सिंह साबी USA तो, बिक्रम सिंह बिक्की USA तो, स्वर्गवासी चरण सिंह का परिवार उन्हां वल्लों भी सारे वल्लों और नगर जिन्ना भी आ लम्मे पिंड का सारे नगर वल्लों ये सेवा की गई आ। किसी ने पैसों से सेवा की, किसी ने ताना, किसी ने सहयोग दिता इनू आपस जोड़ने, किसी ने ट्रांसपोर्ट बारे, मतलब सारे पिंड का सहयोग आ लम्मे पिंड का। जे कही किसी कल का सहयोग नहीं, इस वास्ते सहयोग इस तरह ही चलता रहेगा जिन्ना चिर ये धर्म ना खत्म नहीं होंदा। मोदी सरकार इनू काले कानून वापस नहीं लेंदी, उन्ना चिर ये सेवा लम्मे पिंड की संगत वालों NRI वीर वालों जारी रहेगी। किन्ने क समय तो नगर है जिहड़ा संघर्ष दे विच इत्थे सेवा कर रहे हैं? ये संघर्ष शुरू तो ही कर रहे हैं जी सेवा, अभी कम से कम 27 तरीक तो ही इन्हों के नाल जुड़े हुए हैं। कभी साडे बेटे आ जाते हैं, कभी असी आप खुद आ जाने, इन्हों के नाल जुड़े रहेंगे जिन्ना चिर संघर्ष कायम रहेगा। असी वध तो वध सेवा करांगे। लम्मा पिंड गुरुद्वारा पहली पातशाही का है, असी सेवादार है गए हैं उन्हां दे नाते, असी संगत को माया इकट्ठी करके तो असी वध तो वध संजोग करते हैं। वध तो वध जाने के जो भी सानू वध तो वध चीज़ की लोड़ पेगी संगत को जिन्नी भी अभी पहुँचाने को तैयार हाँ। इत्थे सानू पता लगा सी भी बहुत ज़्यादा ट्राली इकट्ठी हो रही आ, असी इस करके असी 2 ट्रक बिस्तरियां दे जाने के पूरे कंप्लीट बिस्तरा लैके आए हैं। 600 के करीब बिस्तरा है, वो संगतां नू बरताया जाएगा वध तो वध। इस करके असी ट्रक लैके आए हो, ये भी सेवा दे विच आए ने जां इन्हां नू किराया दिता गया? नहीं, इन्हां नू असी किराया दिता गया आ, असी ये नहीं सेवा च लैके आए, ये असी ट्रांसपोर्ट तो किराए ते लैके आए हैं। ये असी ट्रांसपोर्ट ते उन्हां दा किराया देना, वो असी आप ही संगतां ने पैसा देना। नाल संगत नू भी लैके आए हो, किन्ने जने इत्थे पहुंचे हो सेवा दे विच? इस वेले असी तकरीबन 20 मैंबर हैगे आ जिहड़े संगतां लैके आए हैं, सारयां दे देख लो तुसीं सरोपे पाए हुए। असी ये संगतां सारियां संजोग ही करदियां आ, असी इन्हां नू जाने के इन्हां ने माया भी दित्ती आ ते नाल जे कोई बिस्तरा घर पिया असी बिस्तरा भी दिता। लोग अपने घरां चों बिस्तरे जिहड़े पेटियां चों भी कढ़न नू तैयार हो गए आ भी असी पेटियां च भी नहीं रखणे। भाई जी इत्थे किवें बरताया जाणा ये जिहड़ा समान लैके आए हो, स्टेज उत्ते सौंपाया जाएगा जा इत्थे लोड़वंदा जिहड़े ट्रालियां दे विच जा जा के समान वंडिया जाएगा? वीर जी ये जिन्ना भी समान है ये सारा असी साढ़े बड़े भाई सर जरनैल सिंह जी मोतीपुर तो इन्होंने सानू ऑर्डर किया, इन्हां दे नाल साडी जथेबंदी जुड़ी हुई है। मैं एक किसान दे होंदे होंदे नाल एक व्यापारी भी हाँ, ट्रांसपोर्टर भी हाँ, मैं प्रधान भी हाँ, जिला प्रधान भी हाँ।
साड़ी बहुत आल इंडिया लेवल दे जत्थेबंदी है। कल 19 तरीक नूं साडे जत्थेबंदी दी आल इंडिया दी भी एक मीटिंग होने जा इत्थे सिंघू बार्डर ते। कल असीं तुहाडे नाल रूबरू होवांगे, सारे साडे आल इंडिया दे जत्थेबंदी दे सारे इकट्ठे हो रहे अभी नाल संघर्ष दे विच। 26 तरीक नूं नाल शामिल होवांगे सारे जिन्हें भी ट्रक अंदोलन साडा सारा नाल शामिल होएगा। तकरीबन उम्मीद आ भी साडा 500-700 ट्रक भी इस अंदोलन दे विच शामिल होएगा, दिल्ली तों पूरे पंजाब तों आएगा। अंदोलन दे संबंध विच जो भी साडा अगला होएगा सिस्टम वो सारा असीं अनाउंस करांगे इत्थों साडे जथेबंदियां नूं। कल अनाउंस किया जाएगा, अज मैं क्योंकि साडे जथेबंदी दा काम आ साडे प्रधान जी साडे सीनियर जिन्ने भी सारे अई बैठ के जो साडा बनेगा वो असीं अनाउंस करांगे। कदों तुरे सी इह सेवा लै के पंजाब तों जी? इह अज असीं ट्रक असीं राती भेज दित्ते सी जी, असीं सारे जिन्ने भी आ कारां लै के गड्डियां लै के अज असीं सवेरे चले सी तां असीं ते तकरीबन 12:30 पहुंचे सी ते भाई साहब ने साडी चाह पाणी सेवा कीती बहुत कीती आ। इह सारा समान उन्होंने भाई साहब नूं हैंडओवर करके जिथे कहणगे उत्थे ट्रालियां दित्ता जाऊगा। टिकरी बॉर्डर से भी लैके जावांगे जिथे जिथे कहणगे भाई साहब नूं नाल लैके असीं सारे जिन्ने भी 5-6 बॉर्डर के नाके लगे ने सारिआं ते लैके असीं सारिआं ते डिस्ट्रीब्यूट करके समान आवांगे। सरकार दे रवैये नूं किवें देखदे हो कि 9 मीटिंगां हो चुकियां ने, 10वीं मीटिंग होण वाली है, सरकार टस तों मस नहीं हो रही, वो अपने स्टैंड उत्ते अड़ी हुई है? सरकार जिन्ना मर्जी अड़ लवे जिथे मर्जी अड़ लवे जिन्ना जिन्ना लेट करूगी उन्ना संघर्ष तेज होएगा, उन्नियां जथेबंदियां होर नाल जुड़दियां रहणगियां। कल जिस तरह ट्रक यूनियन पूरे पंजाब दी हिंदुस्तान दी ट्रक एसोसीएशन ट्रांसपोर्ट यूनियन ट्रकों तो इलावा जिन्हें भी दफ्तर वाले ने सारे जुड़न जा रहे हैं, पहलों भी जुड़े ने। 5 तरीक नूं भी असीं इत्थे मीटिंग कीती सी, 8 तरीक नूं जदों बंद किया पूरा हिंदुस्तान उस वेले भी सारियां ट्रांसपोर्टां बंद कीतियां गईआं सी। इसे ही तरह अगे भी इह संघर्ष दे विच शामिल होणगे, बहुत सारियां व्यापारिक जथेबंदियां भी नाल शामिल हो रही, जिन्ने होर भी वध तों वध इह संघर्ष सरकार नूं इक इतिहास रच के जाएगा। सरकार नूं इह बिल वापस लैणे ही पैणगे जो मर्जी हो जावे। कल दी मीटिंग तों की उम्मीद रखदे हो जी? कल लगता जो सरकार कुछ ना कुछ जरूर चुकेगी, बेशक तोमर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि ये बिलों की अपील तो इलावा जो मर्जी फैसला कर लो असीं करन नूं तैयार हाँ। जे सरकार अपना सिर्फ एक गत्ता ही रखना चाहती है कादे वास्ते बजद हुई है सरकार नूं, वो भी करके इन्नी जनता जिहड़ी लखां दी तादाद 12-14 लख जनता जिहड़ी इस वेले सड़कां ते बैठी है उहनां नाल देखना चाहिए। ये सरकार पब्लिक की चुनी हुई सरकार आ, लोगों की चुनी हुई सरकार आ, लोगों दी वोटां नाल सरकार बनी आ, इन्हां दा चुनना चाहिए। जे ये पब्लिक इन्हां नूं गद्दी ते बिठा सकती है तो इन्हां तों गद्दी तों लाउणा भी जाणदी है। जेकर संघर्ष लंबा खिंचिया जांदा की लगता है कि जिहड़ी सेवा इसे तरह निरंतर चलती रहेगी? जिथे मर्जी जी भावें 6 महीने चल जाए पूरा जोश आ, पिछे जनता दे विच पूरा जोश आ, इस तरह जनता इत्थे आउंदी रहेगी, इस तरह जथेबंदियां समान लैके आउंदियां रहणगियां। ये भावें 6 महीने लै जाण, ये पंजाबी जिन्ने भी इस वेले हिंदुस्तान दे लोग ने इस संघर्ष नाल बिढ़े के जुड़े हुए ने, किसी वेले भी पिछे हटण नूं तैयार नहीं। बहुत धन्यवाद जी। तो असी गलबात की है उन्होंने संगतों के नाल जिहड़े 2 ट्रक भर के गद्दियां ते कंबलां चादरां दे इत्थे सेवा लैके पहुंचे ने, बड़ी वड्डी सेवा है जिहड़ी की जा रही है। ट्रक दीआं तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि यह ट्रक है जिहड़ा, ये 2 ट्रक खड़े ने जी, ये 2 ट्रक भर के सेवा दे इत्थे सेवा दे विच पिंड लंबे तो संगत है जिहड़ी वह पहुंची है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि 2 ट्रक भर के कट्ठे 2 ट्रक भर के सेवा दे विच पहुंचे ने। तस्वीरां तुसीं साडे चैनल दे उत्ते मीडिया दे माध्यम राहीं लाइव देख सकते हो। इस तरह की निरंतर सेवा जिहड़ी इत्थे लगातार चलती आ रही है। सिख चैनल दे नाल तुसीं बने रहो, तस्वीरां तुसीं देखो कि किवें 2 ट्रक भर के लाइव असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। 2 ट्रक भर के पिंड लंबे तो यह संगत है जिहड़ी ये सेवा लैके आ रही है। बोर्ड लग्या होया किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का, 2 ट्रक भर के आए ने जी। सिख चैनल नाल तुसीं बने रहो। गलबात करते हैं अगे फिर तो साढ़े नाल ने सरदार जरनैल सिंह जी, उन्होंने गलबात करांगे कि उन्होंने ये जो दो ट्रक ने संगत ने हैंडओवर किए ने कि किमें किमें वरता, इन्हों की जिम्मेवारी लगाई गई है, उन्होंने तो पुछते हैं कि किमें किमें वरताया जाएगा। सरपंच साहब स्वागत है चैनल के उत्ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा। मैं जरनैल सिंह अपने जिहड़ा भारतीय किसान यूनियन कादियां जी, तो
और जिहड़ा परमेश्वर की कृपा नाल 25 तरीक दे जिहड़े आ ओह शिंगारस विच साडा सारे पिंड और सारा नाल जिहड़ी साडी टीम ਉਹ ਦੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਗਭਗ 40 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲਵਲ ਗਏ ਸੀ ਪਲਵਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਜਾਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਈਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਟਰੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 600 ਗਰਮ ਚਾਦਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ 12 ਡਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਠੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝੱਟ 300 ਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਗੁਲਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਔਰ ਤਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋਤੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਢੇਰਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 52-53 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲੇਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਬਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਘੁਬਾੜਾ ਚਲਾਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਮਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
और गुरबाणी करिए तपो राज, तप करके राज मिलता। उन्होंने पिछले जन्म का बड़ा तपया राज मिले, जे राजा जिहड़ा अपना फर्ज उन्होंने निभावे तो उन्होंने नरक मिलता, और जिहड़ा जे अपना फर्ज ना निभावे तो तपो राजो नरक, जे अपना फर्ज नहीं निभाता तो उन्होंने बड़ा वड्डा नरक मिलता। लेकिन साड़ी बेनती है भी देखो इन्ने दिनों से बैठे हाँ, सानू उम्मीद भी है भी जिहड़ा 19 तरीक नूं और जिहड़ा प्रधानमंत्री भी अपने जिहड़ा जल्दी तो जल्दी कालिक नूं वापस लेने चाहिए आ। जब असीं लैणा नहीं चाहते जिहड़े सानू दे रहे आ, फिर वो साडे ते क्यों थोप रहे आ। चलो असीं इह नहीं मंग रहे, वैसे तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा सीगा इलैक्शन तो पहला, और साढ़े को बड़ियां स्टेटमेंटां आ भी मैं स्वामीनाथ रिपोर्ट दोनों बार कहा स्वामीनाथ रिपोर्ट पहले दे दर्ज देवांगे और किसानों के सारे कर्जे जिहड़े माफ़ किए जाएंगे और आढ़तियों वाले कर्जे भी माफ़ किए जाएंगे। असीं कहिंदे चलो देश की मजबूरी आ, साडे कर्जे माफ़ ना करन, नाल दी नाल जिहड़े काले कानून वापस लैके दो बिल वापस करके जिहड़ा स्वामीनाथ रिपोर्ट भी उन्होंने तोहफे वजों देनी चाहिए आ। और जे तो साडे कानून जिहड़े वापस हुंदे आ जो पहला उन्होंने किया सानू उही मिलिया, उहदा साडा सुधार नहीं होना, साडा स्वामीनाथ रिपोर्ट दा सुधार होगा, ये उन्होंने करना चाहिए। तो इस करके साडी ये बेनती है सारे वालों, इस करके उन्होंने सोचना चाहिए। और जिहड़ा मैं अज तक दे जिहड़ा कदे प्रधानमंत्री गलत शब्द भी नहीं बोलिया, साडे देश दे प्रधानमंत्री आ, इस करके साडी उन्होंने बेनती भी आ, साडी सारी टीम सेवा च लगी आ। इन्हां वीरां दा मैं फिर धन्नवाद करदा, मेरे को शब्द नहीं कहना, शब्द नाल धन्नवाद करा, जिहड़ा साडा जिहड़ा साडे कंडा भी वजदा ते इन्हां नूं दुख लगदा ते उत्थों जिहड़ी वड्डी गिणती विच सेवा लैके आए आ, ते इन्हां दा बहुत 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 धन्नवाद। ते इक वार मेरा वीर सारिआं दे कैमरा मार दिओ जिहड़ी सारी टीम इन्हां दी आ, पता जिंदाबाद। ये किसान ने जिहड़े दो ट्रक लैके किसानी संघर्ष दे विच पहुंचे ने, 26 तरीक दीआं जिहड़ियां तैयारियां ने ओह कीतीआं जा रहीआं ने, तुसीं सिख चैनल दे नाल बणे रहो, पिछे जिहड़े नारे वी ने तुहानूं दिखाए जा रहे ने। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह दे नाल मैनूं मनदीप सिंह नूं दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।